तो गाइस मैं वैसे खैर आप सबके स्वागत है एक और ब्लॉग पे। तो मतलब ये हुआ था, मैं भी निकला हुआ था, ठीक है। तो मैं लौट रहा था कहीं से, तो मतलब ये जो गाड़ी में दिक्कत हो गई, मैं चला रहा तो एकदम बंद हो गई गाड़ी, ओला जो एसन प्रो है वो बंद हो गई गाड़ी। तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तो चालू कैसे करूँ, चालू ही नहीं रही है, ये निकल आ रहा है अनेबल लोड। तो मैं इसको चालू करूँ तो चालू ही नहीं हो रही है, ब्रेक दबाया हूँ जब भी चालू नहीं हो रही है ये गाड़ी। तो मतलब बहुत वो हो गया हूँ, पता नहीं क्या करूँ, मैं बहुत देर से खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसकी रिकॉर्डिंग बना लेता हूँ, इसके दोनों इंडिकेटर भी चलना है, ठीक है गाइस, पूरी सब लाइट वाइट सब चल रही है इसकी। मैं बहुत देर से परेशान हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ उसको, मैंने स्टैंड आगे भी देख लिया मैंने, तो मैं चालू कर रहा हूँ तो चालू हो ही नहीं रही है गाड़ी ये। तो चलो गाइस इसको रीस्टार्ट करके देखते हैं, तो रीस्टार्ट कैसे करते थे। तो गाइस ओके, इसको हम पहले रीस्टार्ट करके देखते हैं, फिर हम इसको चालू करके देखेंगे कि ये चालू होगी नहीं होगी। गाइस हमने इसको बंद तो कर दिया है, अब देखते हैं चालू करके। गाइस मैं भूल गया रीस्टार्ट कैसे करते हैं इसको। गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं अब मैं। गाइस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जीपीएस तो देखो, जीपीएस भी काम नहीं कर रहा है इसका, ठीक है। देखो ये कहाँ खड़ा हुआ हूँ मैं, ये देखो ये यहाँ का एड्रेस नहीं है, ये राजा मंडी का, ये मैं इस टाइम पे फतेहाबाद पे खड़ा हुआ हूँ, तो उसका जीपीएस भी काम नहीं कर रहा है। तो गाइस अभी इसकी चार्जिंग भी देख लो गाइस 87 है अभी। इसकी सपोर्ट टीम को कॉल करूँ क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस गाड़ी का। तो गाइस अब बताओ मैं क्या करूँ इस गाड़ी का। गाइस एक बार इसको रीस्टार्ट करके देखते हैं, रीबूट करके देखते हैं इसको। यार ये रीबूट भी तो कैसे होती है मुझे ये तो पता नहीं है। गाइस रीबूट भी तो नहीं पता है कैसे होती है ये मुझे, मैं इसको भूल गया मैं चेक करना रीबूट करने का। नहीं हो रही है। गाइस को एक बार ट्राई और करके देखते हैं चालू होती नहीं होती है गाड़ी ये। इसका हमने स्टैंड हटा दिया पहले, 1 2 3 नहीं हो रही है गाइस चालू। इसमें ब्रेक दबाया हुआ तो हूँ मैं, गाइस ब्रेक दबाया हुआ तो हूँ मैं, कैसे दबाऊंगा ब्रेक में, दोनों ब्रेक दबा के देखूं। अच्छा दोनों मतलब मैं समझा नहीं, इसका याला ब्रेक काम नहीं कर रहा है, चालू होने का याला काम कर रहा है, व्हाट इज दिस गाइस। कोई दबा के चालू करना पड़ेगा इसको, तो पहले म्यूजिक बंद करो। गाइस गाड़ी चालू हो चुकी है फाइनली, मैं इतनी देर से परेशान हो रहा था, यही ब्रेक दबाए चले आ रहा था, पर इस ब्रेक का काम हो गया गाड़ी दबाने का। गाइस मैं भी भाई इतना देर से परेशान था कि मैं क्या बोलूं मैं। तो गाइस चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब चलते हैं सीधा यहाँ से घर। मैं तो ऐसे ही आया था, ठीक है, कुछ सामान लेना आया था, मैं रिकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रहा था, बट जब से मुझे ये दिक्कत पता चली तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो गाइस आप इसको इसकी टॉप स्पीड देख लेना, अब आप इसकी कैसी टॉप स्पीड है। तो चलो गाइस इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं यहाँ पर। गाइस इसको सीधा हाइपर मोड पे लगाएंगे, ठीक है गाइस। 1 इसका एक बार वो मीटर भी चेंज कर लेता हूँ। गाइस अगर आपको प्रॉब्लम हो कोई गाड़ी चालू करने में तो आप इस याले ब्रेक से चालू कर सकते हैं गाड़ी, याले ब्रेक से, अगर उससे नहीं हो रही हो तो, क्योंकि यार मैंने ये प्रॉब्लम बहुत देर से फेस की है। तो गाइस चलें, तो 1 2 3 गो। गाइस स्पीड तो खतरनाक है, स्पीड
तो खतरनाक है भाई, इसकी स्पीड तो वैसी खतरनाक है, मैं इसकी क्या तारीफ करूँ मैं अब आपसे। प्रॉब्लम थी जो मुझे हो रही थी। खैर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।